Hello students, welcome to the class. So today I am going to start 12th lesson of history, the siege of Purandar and the treaty with the Mughal emperor. First we will continue fill in the blanks. So in fill in the blanks, first we have, it was a great center of a trades in the Mughal empire. So what is that? Surat. So iska answer kya hai? Surat. Second diya hai, dash was in charge of the फोर्ट ऑफ पुरंदर है, तो इसका आंसर है मुरारबाजी. ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा इनकम्प्लीट है. ओके, नेक्स्ट आंसर, राइट द आंसर्स इन वन सेंटेंस. तो आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डिड शिवाजी कैरी आउट अ रेड ऑन सूरत. आंसर, शिवाजी वॉज वेल नोन फॉर द वराइटीज ऑफ बिजनेस. शिवाजी थॉट टू रेड ऑन सूरत Because it was the great center of trade, मतलब वहाँ वो बहुत ही ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा सेंटर था, in the Mughal Empire and a very rich city, और ये बहुत ही रिच सिटी थी. तो वहाँ से, वहाँ पर रेड करने के बाद शिवाजी के पास शिवाजी को बहुत ज़्यादा वहाँ से वेल्थ मिल सकता था, इसीलिए रेड करने के बारे में सोचा था. Why did दिलेर खान lay siege to the Purandar fort? तो दिलेर खान ने पुरंदर फोर्ट के ऊपर सेज क्यों डाला, मतलब उसने उस पर जो ऐसे अपने सैनिकों को खड़ा क्यों किया कंटिन्यूसली. पुरंदर वॉज वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट, मतलब उसे हराना बहुत ही डिफिकल्ट था हराना. एंड द होल सर्कमस्टांसेस वॉज वेरी वेल नोन टू दिलेर खान. द रिजल्ट ही डिसाइडेड लेट सेज टू दिस पावरफुल फोर्ट. इसीलिए उसने क्या सोचा कि ये जो पावरफुल फोर्ट है उसे ही मैं क्या कर दूँ, सेज कर दूँ, उसे ही अपने कैप्चर में ले लूँ, अपने अंडर ले लूँ, ताकि फिर शिवाजी महाराज वहाँ से कुछ नहीं कर सकेंगे. ओके, थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड शिवाजी एंटर इन टू द ट्रिटी विद अ मुगल एम्पायर. वेन शिवाजी हर्ड न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ द मुरारबाजी He felt deep sorrow. अभी शिवाजी महाराज को जब पता चला मुरारबाजी के डेथ के बारे में, उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था. He thought he could defeat against the Mughal army for at least more than a year, but while that he lost his men who would die in the tempest. In the attempt. This is the reason he takes suggestions from जय सिंह फॉर द विड्रॉ ऑफ फाइट. और फिर शिवाजी महाराज ने क्या डिसाइड किया कि फाइट को विड्रॉ कर देना है. अभी द जय सिंह गेव सजेशंस इन द डिप्लोमेटिक वे दैट ही हैव टू साइन अ ट्रीटी. लेकिन जो जय सिंह है उसने डिप्लोमेटिकली ऐसे कहा, बताया कि मतलब बिकॉज ही वॉन्टेड दैट ऑल ट्रीटीज, जो वहाँ के ट्रीटीज थे उसे वो चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया है शिवाजी महाराज को, मतलब जब डेथ हुआ था जिनका मुरारबाजी का डेथ हुआ था, तो शिवाजी महाराज को उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे. बिकॉज एक अच्छा सैनिक का जब डेथ हो जाता है तो फिर आगे का सब संभालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और ऐसी यहाँ पर स्थिति शिवाजी महाराज की थी. ही वेंट इन अ डीप सॉरो. अभी फोर्थ देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ पुरंदर What territory was to be handed over to the Mughals? अभी पुरंदर का ट्रिटी हुआ था, उसमें क्या क्या डिसाइड किया था, क्या क्या देना था. अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन द ट्रिटी ऑफ ट्रिटी द शिवाजी महाराज गेव 23 फोर्ट्स एंड द टेरिटरी विथ रेवेन्यू ऑफ 4 लाख हॉर्न्स टू औरंगजेब. कितना देना पड़ा था, 23 फोर्ट्स जो थे शिवाजी महाराज के, उनको देने पड़े औरंगजेब को. और उसके साथ में जैसे अभी कॉइन्स होते हैं वैसे ही वो टाइम पे क्या थे, हॉर्न्स थे. तो कितने 4 लाख हॉर्न्स देने पड़े थे. ओके, तो ट्रीटी मतलब क्या होता है, एक तरह का ना यहाँ पे समझौता किया जाता है, सेटलमेंट किया जाता है कि अभी हम फाइट नहीं करेंगे, तो आपको आइदर मुझे इतना सब देना है, नहीं तो हम लोग तुम्हारे ऊपर फिर से अटैक करेंगे. और शिवाजी महाराज की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी वो टाइम पर, इसीलिए उन्होंने ट्रीटी को ये मंजूर कर दिया था. चलो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, राइट द आंसर्स इन टू और थ्री सेंटेंसेस. थोड़े ब्रीफ आंसर्स है तो अच्छे से करने हैं. व्हाट डिड दिलेर खान से टू मुरारबाजी ऑन सीइंग हिज वैलर.
मुरारबाजी वॉज द ग्रेट स्वॉर्डमैन हु ग्रेटली टैकल्ड टू द मोगल्स आर्मी बाय सीइंग हिज वैलोर दिलेर खान टोल्ड हिम अंटिल नाउ आई हैव नॉट स्वॉर्डमैन लाइक यू आई हैव सीन यहाँ पर आएगा आई हैव नॉट सीन हाँ यहाँ पर सीन डालना है बीच में स्वॉर्डमैन लाइक यू यू कम ओवर टू आवर साइड्स आई प्रोमिस यू उन्होंने कहा कि तुम हमारे साइड आ जाओ हमारे साथ ज्वाइंट हो जाओ तो मैं क्या करूँगा आई प्रोमिस यू कम्प्लीटली सेफ्टी द एम्परर विल मेक यू अ सरदार एंड द रिवॉर्ड्स यू विथ अ जागीर मतलब तुम हमारे पास आओगे हमारे इसमें शामिल हो जाओगे तो क्या होगा एम्परर तुमको सरदार बनाएंगे और तुमको बहुत सारा जागीर भी मिलेगा मतलब बहुत सारा लैंड मिलेगा तो देखो इस तरह से रिश्वत देते हैं ना ऐसे वो दे रहे हैं देन नेक्स्ट व्हाट डिड मुरारबाजी से इन रिटर्न अभी ये जब क्वेश्चन दिलेर खान ने कहा था उसके बाद मुरारबाजी ने क्या रिटर्न में आंसर दिया मुरारबाजी इज अ ग्रेट एंड हॉनेस्ट सरदार ऑफ मराठा स्वराज द दिलेर खान शो हीज अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क इन मुगल एम्परर्स दैट दैट टाइम मुरारबाजी गेट मोर एंग्री एंड सैड और क्या कहा था सैड ही वी आर द लॉयल सर्वेंट ऑफ शिवाजी महाराज हम शिवाजी महाराज के लॉयल मतलब शिवाजी महाराज के वफादार सर्वेंट हैं और हु वॉन्ट्स टू बाय सेफ्टी फ्रॉम यू और तुम्हारे पास से अपनी सेफ्टी मुझे लेनी नहीं है वाई शुड वी ओवर टू योर साइड और हम तुम्हारे साइड में क्यों आए एंड हु वॉन्ट्स योर एम्प्रेस जागीर और तुम्हारे एम्प्रेस का जागीर भी किसे चाहिए तो ऐसे वो बोल रहे हैं चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट दिस नेम्स फ्रॉम द लेसन्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन फर्स्ट लेटर अभी यहाँ पर दिया है ए यू ए यू से है औरंगजेब पी यू पुरंदर एम यू से मुरारबाजी जे ए से जय सिंह देन डी आई से दिलेर खान ओके ओके चिल्ड्रन तो वी हैव कम्प्लीटेड दिस लेसन हियर सारे आंसर्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं तो आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करके रख दो और अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय